अस्सलाम वालेकुम क्लास वन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन, सेफ एंड हेल्दी एट होम. स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ. स्टूडेंट्स, हैव यू डन योर लास्ट वर्क, योर प्रीवियस वर्क इन योर नोटबुक? दिस इज योर साइंस नोटबुक एंड आई एम योर साइंस टीचर. दिस इज योर साइंस यूनिट एंड आई एम योर साइंस टीचर आयशा अदनान. Today date is 10/12/2020. It means 10th December 2020, and day is Thursday. What day is today? Today is Thursday. Okay, students. This is our last work, previous work, which we have done in our last class. I hope you have completed it. Question answers. Yesterday's work. This is your yesterday work. And I hope you have made a colorful and beautiful title page of Unit 6, Materials and Objects. Today, what are we going to do? We are going to do fill in the blanks of this chapter. We have done 3 question answers, and today our classwork is fill in the blanks of this Unit 6, Materials and Objects. Okay, students, first you have to write down the date 10/12/2020, and this is our classwork. Write down, fill in the blanks with your blue color. Number one is objects are made of materials. Objects means cheezen, things. They are made of materials. Some are man-made and some are natural. Some materials are natural and some are man-made. You have to write down the blanks with your blue color. Okay, students, with your blue color, and you have to underline it with the blue color also. Clear? Be careful about the 4 lines. Okay, students, about the 4 lines. Take 1 finger distance between 2 words. 1 finger distance between 2 words. These are the rules some we have made in for our class. Theek hai students, some materials are natural and some are man-made. कुछ जो हैं वो अल्लाह की तरफ से होते हैं और कुछ जो हैं वो इंसान की तरफ से बनाए गए होते हैं. चीज़ें अल्लाह ही की तरफ से आती हैं, लेकिन उनको इस्तेमाल या उनको बनाया जाता है, उस मटेरियल को इंसान बनाता है. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, ये वुडन पेंसिल की और ये प्लास्टिक मार्कर की. ठीक है, इसका जो मटेरियल है प्लास्टिक है वो मैनमेड है, और इस पेंसिल का जो मटेरियल है वुड है, वो डायरेक्टली नेचुरल है. ठीक है, इसको हमने वुड को कुछ भी नहीं किया है, बस ये वुड है. और लेकिन इस प्लास्टिक को बनाने के लिए हमने नेचुरल ऑयल इस्तेमाल किया है. ठीक है बेटे, ओके. थर्ड इज ग्लास इज मेड फ्रॉम नेचुरल सैंड. जैसे प्लास्टिक को हम बनाते हैं नेचुरल ऑयल से, इसी तरह से शीशे को बनाया जाता है, ग्लास को, शीशे को बनाया जाता है नेचुरल सैंड से. ओके. फोर इज कॉटन हैज़ वेरी सॉफ्ट टेक्सचर. हमने जब रीडिंग की थी तो कुछ टेक्सचर्स आपको टीचर ने शो किए थे, उसमें कॉटन का आपको मैंने दिखाया था कि कितना सॉफ्ट होता है. ठीक है, तो उसका टेक्सचर कैसा था, उसकी साख्त कैसी थी, कैसा था वो, उसको हम अगर फील करेंगे तो बहुत सॉफ्ट सा फीलिंग आएगी. ठीक है. ब्रिक्स आर यूज टू मेक बिल्डिंग्स. ब्रिक्स ईंटें, ब्लॉक्स, ठीक है, उनको यूज किया जाता है बिल्डिंग्स बनाने के लिए. सही, इज इट क्लियर? आई होप यू हैव क्लियर, वेरी क्लियर व्यू अबाउट द चैप्टर. ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस इज योर क्लास वर्क एंड दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे. ठीक है, इन्हीं को आपने बहुत नीटली और क्लीन काम करना है, नीट एंड क्लीन. ब्लू कलर से इनका काम करना है, इनको ब्लैंक्स को फिल करना है, हेडिंग डालनी है विद योर ब्लू कलर, अंडरलाइन. अंडरलाइन जो किया जाएगा वो लास्ट की रेड लाइंस पे अंडरलाइन होगा. ठीक है, ताकि इसके साथ
बिल्कुल यहाँ ब्लू का लाइन पे मत कीजिएगा, यहाँ रेड लाइन पे कीजिएगा ताकि ये क्लियर और नीटली नज़र भी आए. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड आई होप यू हैव नॉट बर्डनाइज विद इट. स्टूडेंट्स आप ये काम कीजिएगा बिल्कुल नीट क्लीन. स्टे होम, स्टे सेफ. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. अल्लाह हाफिज़.